अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप अफवान वहीद के फैंस हैं और आपको उनके ड्रामे अच्छे लगते हैं, और दो बोल ड्रामा की बेपनाह मकबूलियत के बाद आप अफवान वहीद या हीरा मानी के नए ड्रामा के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें। शुक्रिया दोस्तों। 12 जून को ARY डिजिटल पर अफ़ान वहीद का न्यू ड्रामा नशर हो गया है, जिसमें अफ़ान वहीद अवैस का किरदार अदा कर रहे हैं और उनके साथ सैफिया खटक एमन का किरदार अदा कर रही है। 12 जून को पहली और दूसरी किस्त ARY डिजिटल के चैनल पर अपलोड हो गई है। पहली किस्त तो इतनी खास नहीं देखने को मिली, लेकिन दूसरी किस्त में दोस्तों कहानी सैड स्टोरी की तरफ चली गई है। अब तीसरी किस्त में क्या होने जा रहा है, इसकी मालूमात मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। दोस्तों तीसरी किस्त में एमन की जिंदगी अजाब बन जाती है। अवैस उसको घर से निकाल देता है और साथ ही कहता है कि निकलो मेरे घर से, तो एमन कहती है कि अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ, मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं है। और साथ ही अवैस की माँ एमन को एक दफ्तर रसीद करती है और साथ ही हक में 10,000 एमन के मुंह पर मारती है, और अवैस एमन को तलाक दे देता है। जब एमन अपने घर वापस आती है तो एमन के वालिद की भी डेथ हो चुकी होती है। वो एमन के घर से भागने का सदमा नहीं सह सकते और एमन की भाभी उसे ताने मारती है कि जिन बापों की बेटियां घर से भाग जाती हैं ना, उन्हें सिर्फ कब्र में मुंह छुपाने की जगह मिलती है। और साथ ही एमन कहती है खुद से कि मेरी सजा शुरू हो चुकी, मेरी सजा शुरू हो चुकी, क्योंकि एमन अब अवैस की बेटी की माँ बनने वाली होती है। वीडियो पसंद आने पर कमेंट लाजमी बताइएगा, ताकि जल्द ही किस्त नंबर 4 की वीडियो अपलोड करके आपके साथ शेयर कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।